जिले मुरादाबाद के बड़े विहार सेक्टर 1B में 6 रैकेट चल रहा था। पुलिस को इतला मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो अफराद जिसमें एक मर्द और एक खातून शामिल थी, उनको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। माजुला एरिया के इलाके बोध विहार सेक्टर 1B में अंधाधुंध रैकेट चल रहा था। रिहायशियों को इस बात का पता चल गया, जिस पर उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। मेरा नाम कपिल कुमार एडवोकेट। पूरा मामला यह है, संज्ञान में आया है कि बुद्धि विहार मकान नंबर 368 सेक्टर 1B में एक सुधीर नामक व्यक्ति, जिसके पिताजी का नाम नहीं पता है, और उसकी पत्नी मुस्कान सुधीर सैनी जो मंझोला के निवासी हैं और बुद्धि विहार में जो है काफ़ी समय से रह रहे हैं और लगभग 5 साल से ये गलत काम कर रहे हैं, एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं जिनके तार जो हैं दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। लगातार अजनबी लोग आते हैं, नई नई लड़कियां, नए नए लड़के, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरीके के। पिछले साल भी इन्होंने कोरोना काल में लगातार अपने घर बुलाए, जिसकी एक दो बार शिकायत भी हुई। जब शिकायत हुई तो इन्होंने अपनी दबंगी के बल पर गुंडे बुलाए और गली वालों को धमकाया। इनका कहना यह है कि मेरे पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों से, बड़े नेताओं से, जो भी सत्ता आती है उस सत्ता के नेताओं से और कई वकीलों से संपर्क रहते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं कचहरी था, मुझे सूचना मिली कि 100 नंबर पुलिस आई, कहीं से इन्फॉर्मेशन होगी पुलिस को। उसके बाद जो है थाना पुलिस पहुंची, थाना पुलिस ने जो है इनके यहाँ से 4 लड़कियाँ और 3 लड़के बरामद किए, जिसमें एक लड़की और एक लड़का मौके से भाग गए, बाकी पुलिस ने पकड़ लिए हैं। अब लगातार पुलिस के ऊपर दबाव आ रहा है, मोहल्ले के सारे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि छोड़ने का दबाव आ रहा है। कुछ नेता हैं, कुछ वकील साहब भी खड़े हैं यहाँ पर। सभी लोग जो हैं वहीं के रहने वाले हैं आप सभी? हाँ, ये सब कॉलोनी के स्थायी निवासी हैं और उसी गली में रहते हैं सब। लड़के की सप्लाई नेताओं के पास भी सप्लाई होती है? हाँ, बिल्कुल होती होगी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होती होगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से लगातार लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, पास में जो है मेरे घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में देखे जा सकते हैं। वो कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ये लगातार जो है 2-3 साल से चल रहा है। इस समय 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, हाँ, एक लड़की और एक लड़का जो है भाग गए। तो आप कितने जो मोहल्ले वाले हैं, आप अपनी तरफ से तहरीर? हाँ, तहरीर दे चुके हैं पुलिस को, मोहल्ले के लोग सारे के सारे, पर इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हाँ, एक 22 तारीख में भी घटना हुई थी, पुलिस 100 नंबर पुलिस आई थी, उसका जो है CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। इस व्यक्ति से हाथ मिला के गई और 4 जोड़े थे उस दिन, 4 जोड़े CCTV कैमरे में कैद हैं जाते हुए आते हुए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बिल्कुल पुलिस की संलिप्तता है, बिल्कुल अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही, वरना अब तक जो है जेल भेज देती जैसे पकड़ा है।